बॉर्डर में हुई दिलजीत दोसांझ की एंट्री, बोले पहली गोली दुश्मन चलाएगा, आखिरी गोली हम। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स में से एक तो है ही। ये भारतीय सेना की कहानी पर बनी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक भी है। गदर 2 की तूफानी कामयाबी के बाद जब सनी देओल ने बॉर्डर 2 अनाउंस की, तभी से बॉलीवुड फैंस प्रोजेक्ट का इंतजार एक्साइटमेंट से कर रहे हैं। और अब इस फिल्म में एक ऐसा एक्टर आ गया है जिसका नाम सुनकर फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट डबल हो गई है। आपको बता देते हैं, इस साल कामयाबी की शानदार फॉर्म में चल रही दिलजीत दोसांझ अब बॉर्डर 2 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। धमाकेदार प्रोजेक्ट में दिलजीत भी सनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए जंग लड़ते नजर आएंगे। शुक्रवार को मेकर्स ने एक नया प्रोमो के साथ बॉर्डर 2 की कास्ट में दिलजीत की एंट्री अनाउंस की। प्रोमो में सोनू निगम की आवाज में ओरिजिनल बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं सुनाई देता है और फिर दिलजीत का नाम लिखा आता है। प्रोमो में दिलजीत की आवाज में एक देशभक्ति से भरा डायलॉग भी, इस देश की तरफ उठने वाली हर नजर झुक जाती है खौफ से इन सरहदों पर जब गुरु के बास पहरा देते हैं। दिलजीत ने भी अपने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट शेयर की है। उन्होंने प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया था, पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम। ऐसी पावरफुल टीम के साथ खड़ा होकर और हमारे सैनिक के कदमों पर चलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दूसरी ओर सनी देओल ने कैप्शन दिया था, वेलकम फौजी आदरे दिलजीत दोसांझ द बैटालियन ऑफ बॉर्डर 2। खैर दोस्तों, सनी देओल ने जून में ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 1997 में अपने फौजी किरदार फिर से निभाने के लिए तैयार हैं और फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो अनुराग सिंह होने वाले हैं। सनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था वो वापस आएगा, उस वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद मेकर्स ने बॉर्डर 2 की कास्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया है और अभी तक इस फिल्म में सनी के साथ आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का नाम अनाउंस हो चुका है। हालांकि आयुष्मान खुराना ऑप्ट आउट कर चुके हैं प्रोजेक्ट से। बॉर्डर 2 अनाउंस करते वक्त मेकर्स ने इसे इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बताया है। अब आपको ये बताना चाहेंगे, कास्टिंग देखकर तो यही लग रहा है मेकर्स अपने दावे को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 साल 2025 में रिलीज हो। खैर दोस्तों अब आपका क्या कहना है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।